मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आज हम लोग मैथ का टॉपिक फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में भिन्न कहते हैं, तो पहले ये समझते हैं कि भिन्न होता क्या है, ठीक है। उसके बाद भिन्न से रिलेटेड यानी फ्रैक्शन से रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रैक्शन, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, भिन्न, ठीक। अब मैथ में फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं कि ये फ्रैक्शन होते क्या है। तो ऐसे नॉर्मली अगर मैथमेटिकल टर्म में चले तो कहता है कि कोई भी नंबर अगर a बाई बी के फॉर्म में हो, या x अपॉन y या m अपॉन n, इस तरीके से हो, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन a अपॉन b, x अपॉन y, m अपॉन n का मतलब क्या होता है अगर रियल लाइफ सिचुएशंस को हम देखें तो जैसे हमारे पास अगर 4 बिस्किट हैं और लेने वाले कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, ठीक है। 4 बिस्किट है, उनको 5 लोगों में बांटना है। अब एक एक बिस्किट रहता था, यानी कि 5 बिस्किट चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो है कितने, 4 बिस्किट और 5 लोग हैं, तो कैसे बांटेंगे। तो यहाँ पे बांटने का तरीका यही होता है कि हर आदमी को कितना मिल जाएगा, तो बी इक्वल टू 5/4, यानी पर पर्सन को बिस्किट कितना मिलेगा, 5/4, ठीक है। यानी कि हर आदमी को कितना मिलेगा, 5/4। अगर रियल लाइफ सिचुएशन देखें तो जब भी हमारे पास होल यानी कि होल की बात करते हैं, तो कोई भी चीज़ अगर एप्पल देना हो तीन लोगों में एप्पल देना हो, 3 एप्पल है और 3 लोगों में देना है, तो पर आदमी को कितना मिल जाएगा, 1 एप्पल मिलेगा, ठीक है। लेकिन एप्पल कितने हैं, 4 हैं, वो 3 लोगों में देना है। अब एप्पल कितने हैं, 4 है, देना कितने में है, 3 लोगों। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि पहले तो एक एक हम लोग शेयर कर सकते हैं, पर पर्सन को कितना शेयर कर सकते हैं, 1 शेयर कर सकते हैं, और जब एक एप्पल बचा तो उसका जो पार्ट होता है, ठीक है, पर पर्सन को कितना एप्पल दे देंगे, 1 दे देंगे। लेकिन उसके बाद एक एप्पल बचा ना और 3 लोगों को देना है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं। तो ये जो 1/3 है, 1/3 का मतलब कोई चीज़ है उसका 3 पार्ट किया, 3 पार्ट में से 1 पार्ट एक आदमी को दे दिया। कोई चीज़ है यानी एक एप्पल है, इसको क्या कर दिया, 3 पार्ट कर दिया, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/3, ठीक है। तो मैथ में जब भी इस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं, यानी कि होल से छोटा प्रॉब्लम हो, एक एक रहेगा तब तो हम लोग पूरा पूरा दे सकते हैं, लेकिन एक ही चीज़ों को कई लोगों में बांटना हो, तो उस तरीके की समस्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, और उसको ही फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि फ्रैक्शन हमारे अलग अलग तरीके के भिन्न होते हैं, ठीक है। तो एक होता है सिंपल फ्रैक्शन, इसको हिंदी में साधारण भिन्न बोलते हैं। अब साधारण भिन्न का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर अगर जैसे 3/5, 4/2 इस तरीके से रहे, तो इसी को सिंपल भिन्न बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारा, तो डेसिमल, दूसरा होता है डेसिमल, डेसिमल फ्रैक्शन, हिंदी में इसको दशमलव भिन्न बोलते हैं। साधारण भिन्न तो कोई भी नंबर अगर इस तरीके से लिख दे, 3/5, 4/2, 6/9, कुछ भी लिख दे, तो वो सब सिंपल भिन्न होगा। लेकिन डेसिमल भिन्न क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, या दशमलव भिन्न क्या होता है, तो जब भी ये लिखेंगे जैसे 2/10, 5/100, 4/1000, ठीक है, यानी मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो जब मल्टीपल ऑफ 10 होगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल भिन्न बोलते हैं, ठीक है, या डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। दशमलव भिन्न हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। और इसका जानने का तरीका क्या होगा कि जब भी हर यानी डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 10 होगा, तो वही हमारा क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन, और हिंदी में दशमलव भिन्न कहते हैं। अब क्या है, ये तो समझ में आया कि फ्रैक्शन क्या होता है, उसके पार्ट क्या होते हैं, ठीक है। अब इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अब मैथ में 4 ही चीज़ें होता है, क्या करना होता है, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। लेकिन अब ये सारी चीज़ें एक बार में संभव नहीं है कि हम लोग क्या करें, एक बार में बस देखा उसको कर लिया, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि माइंड है, ठीक है, ये नेचुरल मेमोरी कार्ड है। लेकिन ये किस पे काम करता है, लर्न और फॉरगेट के बेस पे, मतलब एक चीज़ याद रखेगा दूसरी चीज़ों को भूल जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे,
फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो एसएससी बैंक या पीओ रेलवे में आया होगा तो उस पर हम लोग काम करेंगे। जिसको एक्सप्लेनेशन बेहतर लग रहा है तो वो क्या करे, इसको आगे फॉरवर्ड करे, दूसरों को भी बताए और अपने सुझाव भी दे कि और इसमें चीज़ें क्या उनको जानना है जो कि उनके लिए आसान हो सके।